जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अब आ गया राउंड टू आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का, यानी सुपर एट, जिसमें आपको पता है कि दोनों ग्रुप्स में चार चार टीमें हैं। पर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ कि भाई आठों टॉप एट टीम्स होंगी। आपको पता है श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये तीनों ही टीमें बाहर गई। इंग्लैंड भी बस क्या ना हुआ, बाल बाल बच गई। तो पाँच बड़ी टीमें हैं, साथ में है यूएसए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहना गलत होगा कि वो तीन टीमें बड़ी नहीं है? भाई वो तीनों बहुत ही बड़ी टीम है, क्योंकि अफगानिस्तान पिछले काफ़ी समय से अच्छा कर रहा है, बांग्लादेश उससे पहले से भी बहुत अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ यूएसए को कहीं देख के लग रहा है कहीं ये छोटी टीम है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया के तीन मैच होंगे। आज पहला मैच अफगानिस्तान से बस थोड़ी देर में रात को 8 बजे से, इसके बाद अगला मैच दो दिन बाद 22 तारीख को शनिवार को बांग्लादेश से, और फिर 24 तारीख को हमारे बहुत ही बड़े राइवल्स इस समय के जो हमारा दिल तोड़ते हैं, 24 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से। हम नहीं चाहेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो हमारे लिए नॉकआउट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ही दो मैच जीत लेंगे। अगर हमने पहले ही दो मैच जीत ले तो हम सही नहीं होंगे, और भगवान करे कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारे बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, और हमारा जो मैच है उसको नॉकआउट वाला हो और हम उनको ऐसा हरा के बाहर करें कि पूरा वर्ल्ड क्रिकेट याद रखे। खैर, वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हाथ में, क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ पहले का अपना जो कहते हैं ना अनफिनिश बिजनेस है, वो है भी होंगी, लास्ट टाइम जीतते रह गए थे, तो तब देखने वाली बात होगी। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान हमें हराए। क्यों दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इंडिया अफगानिस्तान की हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल 11 बार ये टीमें दोनों भिड़ी हैं, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट में, और अभी तक सभी बार मैं बात करूं तो भारत हारा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह, एक दो बार मैच टाई जरूर हुए लेकिन भारत कभी हारा नहीं, यानी अफगानिस्तान बहुत बार पास आया लेकिन जीत नहीं पाया। जिसमें वनडे में बात करूं तो 4 मैच हुए, जिसमें एशिया कप 2014-2019 वर्ल्ड कप जहाँ शमी की हैट्रिक आई, और 2023 वर्ल्ड कप जो रोहित ने वन साइडेड से तक हमारी दिल्ली में लगाया था और मैच जीता था उस अफगानिस्तान से, जिसने बाद में पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान कितना अच्छा था। लेकिन भाई फिर वही वाली बात, जब रोहित का बल्ला चलता है ना तो बड़े से बड़ी टीम भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अफगानिस्तान अभी अच्छे लेवल पर पहुँच रही है लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के लेवल की नहीं है। तो जब रोहित के सामने वो नहीं टिक पाते तो फिर वो कहीं टिक पाएंगे। एक मैच जो बचा टाई है वही मैच है जो 2018 एशिया कप में हुआ था, जब रोहित कप्तान थे, लेकिन उस मैच में कप्तानी दी थी उस बंदे को जिन्होंने उनका करियर बनाया था, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को। तो बस मात्र एक वही मैच टाई है जिसमें भारत की बी टीम खेली थी, लेकिन बहुत तारीफ थी अफगानिस्तान की कि तब भी मैच टाई करा, क्योंकि इंडिया की बी टीम भी दोस्तों बहुत अच्छी है, तो आप सब जानते हैं। अब टी20 क्रिकेट की दोस्तों बात की जाए तो 7 मैच हुए हैं, जिसमें 3 मैच इसी साल हुए थे जनवरी में, जब रोहित विराट की वापसी हुई थी और भारत तीनों मैच जीता था। पहले दो मैच तो ठीक है भारत ने अच्छे से जीत लिए थे, लेकिन आपको याद होगा तीसरा मैच बेंगलुरु का, जब 215 भारत ने बनाया और 215 अफगानिस्तान ने बना दिया। फिर पहला सुपर ओवर टाई हुआ, फिर दूसरे सुपर ओवर में भारत को जीत मिल गई। किसने जीत दिलाई थी? सुपर ओवर के शहनशाह, जिनका जब भी कल को नाम लिया जाएगा तो 500 वर्ल्ड कप में मारने की वजह से लिया जाएगा नंबर एक पे, लेकिन दूसरा जो लिया जाएगा वो इस वजह से लिया जाएगा कि भाई सुपर ओवर के भी शहनशाह। डबल ने 100 तो खैर उनका दूसरा ही नाम है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे कप्तान रो सुपर हिटमैन शर्मा की। तो उस दिन बचा लिया था अफगानिस्तान से, नहीं तो इज्जत चली जाती, क्योंकि जब भी आप हारोगे तो भाई लगेगा तो सही कि आप उनसे हारे हो। इसके सिवा बात की जाए तो 2022 एशिया कप, जब विराट का 71वां शतक आया था, 2.5-3 साल हो गए थे और शतक का सूखा उनका नहीं था, हम भी सूख गए थे कि भाई शतक अब आएगा भी कभी जीवन में या नहीं, लेकिन देखो फिर 10 शतकों की झड़ियाँ लगा दी। 2021 टी20 वर्ल्ड कप, जब भारत पहले दो मैच हार गया था तो उम्मीद जगाई थी भारत ने कि क्या अब हम फिर से वापसी करेंगे, हालांकि भारत फिर बाद में हार हो गया, लेकिन वो मैच भारत ने बहुत ही अच्छे से वन साइडेड जीता था, रोहित उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसके सिवा बहुत स्टार्टिंग के दो मैच हैं, 2010 टी20 वर्ल्ड कप, जो इन दोनों बीच पहला हिस्ट्री का मैच था और टी20 का भी पहला मैच था अफगानिस्तान का, और इंडिया पहली बार उनसे खेला था, भारत बहुत ही वन साइडेडली जीत गया था। विजय, दिनेश कार्तिक, अमित मिश्रा, जडेजा, हरभजन, जहीर गंभीर, धोनी सब अच्छा खेले थे। इसके बाद 2012 जहाँ आगमन हुआ एक ऐसे बंदे का जिसके हैं अब टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक टी20 क्रिकेट इतिहास में, सबसे ज्यादा वर्ल्ड टी20 के इतिहास में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच, विराट किंग द रन मशीन कोहली। पिछले 12-13 साल से उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता नंबर वन बैट्समैन। तो 2012 में पहली इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था उस वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा शतक आया था विराट का और भारत 24 रन से जीत पाया था, लेकिन विराट ने कहना होगा उस दिन भारत की लाज बचाई थी। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि इंडिया अफगानिस्तान के मैच जब भी हुए हैं तो थोड़े वन साइड वाले नहीं हुए, थोड़े टक्कर वाले हुए, तो क्या आज भी ऐसा होगा? तो दोस्तों बात करते हैं हम इंडिया अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों अफगानिस्तान की प्लेइंग 11, रहमान उल्ला गुरबाज आपको पता है बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, पिछले कुछ समय से KKR को जिताए हैं, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। साथ में मैं बात करूं तो देखने वाली बात होगी ओपनिंग, मुझे लगता है इब्राहिम ज़ादरानी करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा साथ में वो स्टार्ट देते हैं। टीम पे गुलबदीन ने भी, नजीबुल्ला ज़ादरान भी आ सकते हैं, मोहम्मद नबी आपको पता है कितना अच्छा खेलते हैं, करीम जन्नत की मैं बात करूं, इसके सिवा में बात करूं तो राशिद खान, नूर अहमद, फजल अक फारूकी, और साथ ही साथ अगर इसके बात की जाए तो नवीन उलक। तो
तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि पेस अटैक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखिए फजल अलक फारूकी हैं, नवीन उलक हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म में नवीन उलक पिछले 1.5-2 साल से, और फजल अलक फारूकी इस वर्ल्ड कप में 2 मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं 4 मैचों में से, जिनमें से 3 मैच उनकी टीम जीती है। राशिद और नूर हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं, मोहम्मद नबी भी, और अजमतुल्ला उमर जई जो कि बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर भी हैं, बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। बैटिंग में उनका नाम लिया गया था क्योंकि मैंने कहा बॉलिंग में पहले उनका नाम लेना जरूरी। तो बल्लेबाजी आप देखिए, नूर बैटिंग कर सकते हैं 9, राशिद 8, करीम जन्नत 7, मोहम्मद नबी 6, अजमतुल्ला उमर जई 5, और उसके सिवा तो मैंने बात करी भाई के आपको पता है गुलबदीन नेब है, नजीबुल्ला जादरान है, गुल और इसके सिवा रहमतुल्ला गुरबाज हैं और इब्राहिम जादरान है। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों टीम है, कहने की बात होगी तो आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि 9 नंबर तक बल्लेबाजी जिसमें पावर हिटर्स भी हैं रहमतुल्ला गुरबाज और मोहम्मद नबी जैसे और नजीबुल्ला जादरान जैसे, स्पिन अटैक टीम आपको पता है मोहम्मद नबी, नूर अहमद और राशिद खान है, मुजीब आउट होगा नहीं तो अभी वो भी होते, तो भाई कितनी तगड़ी टीम है, फजल अलक फारूकी और नवीन उलक है, तो बहुत ही अच्छी टीम है। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे भारत इनका सामना करेगा। अब हम भारतीय टीम की बात करें तो काफ़ी सवाल हैं दोस्तों कि क्या विराट रोहित 1-2 होंगे या फिर इस मैच में जायसवाल खेलेंगे, विराट रोहित 3, उसके बाद पंत 4, और शायद इस मैच में सूर्या नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको इंजरी हुई थी, बाकी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सूर्या भी खेलते हैं तो फिर सूर्या इसका मतलब 5 होंगे, हार्दिक 6 होंगे, जडेजा 7 होंगे, और उसके बाद देखने की बात होगी। मुझे लगता है कि अब कुलदीप को मौका मिलेगा, तो कुलदीप यादव मुझे पक्का लगता है कि अब इस टीम में खेलेंगे 8, और फिर आप देखने वाली बात होगी कि क्या आप 3 पेसर खिलाओगे, बुमराह और अश्विन पक्का होंगे, तो सिराज होंगे, अक्षर होंगे। तो ये एक पहला सवाल है। मान लीजिए अगर आप ओपनिंग नहीं करते हैं जायसवाल, तो विराट रोहित पक्की बात है 3 पंत 4, अगर आप मान लीजिए सूर्य नहीं खेलते हैं आज तो फिर संजू सैमसन खेल लेंगे, यहाँ पे कोई फिर डाउट नहीं है। 5 पे फिर शिवम दुबे खेल लेंगे, 6 पे पांड्या खेल लेंगे, 7 पे जडेजा, फिर वही वाली बात होगी कि 8 पे अक्षर होंगे या होंगे आपको पता है कि मोहम्मद सिराज, उसके बाद अपना ये कैन कुलदीप, बुमराह और अर्जदीप। तो सवाल काफ़ी हैं, ज़्यादातर लोगों की जगह पक्की है, लेकिन एक तो ये है कि सूर्य इंजरी की वजह से खेलेंगे यानी उनकी जगह सैमसन खेलेंगे, या अगर जायसवाल ही आ जाते हैं तो फिर दुबे को मौका मिलेगा ही नहीं, ये एक पहला सवाल है। तो देखने वाली बात होगी कि जायसवाल को ओपनिंग का मौका मिलेगा या फिर अब टीम इंडिया कहेगी कि नहीं यार रोहित और विराट के आखिरी 5 T20 होंगे शायद, ऐसा देखने में भी लग रहा है, तो अब इनको ओपनिंग का दे दो। रोहित तो खैर करते ही हैं, तो विराट को भी है कि विराट एक्सेलरेट कर दो। और दोस्तों आप विराट कोहली को जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हो तो हो सकता है आपके नाम के आगे लिखा हो विराट कोहली 5 मैच में 350 रन और हाईएस्ट रन गेटर, ऐसे वो खिलाड़ी हैं। और अब भाई न्यूयॉर्क जो उनके लिए डेड बना हुआ था ना, डेड रबर, डेड पिच बिल्कुल, वो खत्म हो चुका है। अब वो बार बार टॉस में आ गए जहाँ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो जरा बच के सभी टीमों को मैं कहूँगा। तो कोई भरोसा नहीं है विराट, और मैं समझता हूँ करना भी चाहिए, विराट रोहित के जाना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर दोस्तों वही बात हो गई ना, पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यार विराट रोहित को ओपनिंग कराओ, विराट रोहित को ओपनिंग कराओ, अब 2-3 मैच विराट फ्लॉप हो गए, तो आप ऐसा सोच रहे हो। आप ये भी सोच के देखो कि एक तरीके से विराट ने ओपनिंग ही तो करी है T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि जब आपको पता है कि वो गंभीर और सहवाग के साथ खेलते थे तो गंभीर और सहवाग नहीं चले, जब धवन और रोहित के साथ चले तो वो नहीं चले, और इसके बाद भी अगर मैं आगे बात करूँ राहुल और रोहित के साथ चले तो वो नहीं चले, तो कितना फ़र्क है, उनकी बैटिंग पहले या दूसरे ओवर में आई गई ज़्यादातर। तो ठीक है ओपनिंग कर रहे हैं, बस आप उनको बोलो कि विराट वैसा ही खेलो जैसा आप RCB में खेलते हो, और बाकी तो पता है वो अच्छा खेलते हैं, और बाकी पंत बहुत अच्छी फॉर्म में है, दुबे पिछले मैच में अच्छा खेले, मुझे लगता है उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। अब आप देखिएगा सूर्य का उदय होगा और चमकेगा सूर्य, में पिछले मैच में वो रन उनके आ गए हैं, हार्दिक पांड्या अच्छा करेंगे अगर बल्लेबाजी में मौका आएगा, जडेजा अच्छा करेंगे, काफ़ी मजाक भी बन रहा है कि कुछ करते नहीं है, अक्षर को मौका मिलेगा तो करेंगे, कुलदीप को मौका मिलेगा तो भी खेलेंगे क्योंकि स्पिन के लिए बहुत अच्छी पिच है, और भाई बुमराह और अर्शदीप तो अच्छा कर ही रहे हैं, और सिराज भी अच्छा ही कर रहे हैं, साथ ही साथ रोहित भी कप्तान अच्छा करें बल्लेबाजी में, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया इन टीमों के सामने तो उनका रिकॉर्ड भी अच्छा। तो दोस्तों मेरी विनर होगी टीम इंडिया, और मैं ये कहूँगा कि अगर भारत को मैच जीतना है पहले ऑब्वियसली बात है मुझे लगता है इंडिया बॉलिंग ही करेगा, तो इंडिया अपना ये करे कि 170 के अंदर अंदर रोक ले अफगानिस्तान को, अगर इतने के अंदर रोकते हैं तो आप देखिएगा ये मैच भारत ही जीतेगा, क्योंकि अब थोड़े से बड़े मैच होंगे, मतलब इन द सेंस अब थोड़े हाई स्कोरिंग मैच होंगे, अब हम USA से आ चुके हैं, और अगर भारत ये है कि पहले आपको पता है कि बल्लेबाजी करता है तो 180+ लगा दे, अगर भारत 180+ लगाता तो अफगानिस्तान मोस्ट प्रोबेबली 99.9% ये रन नहीं बना पाएगा। तो मेरी विनर होगी टीम इंडिया, मिलेंगे अगले मैच में जब अपना बांग्लादेश से मैच होगा, और तब बात करेंगे अफगानिस्तान के मैच की भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।